हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो आप सब? फटाफट लाइक करो, फटाफट कमेंट करो, फटाफट शेयर करो, फटाफट दोस्तों को बुलाओ, जिसको बुलाना है उसको बुलाओ, बाबू सोना जादू टोना सबको बुला लो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों आईटी का यूनिट नंबर 3 का वन शॉट। आज हम लोग ये क्लास में ये एश्योर करेंगे कि यूनिट नंबर 3 बहुत बढ़िया से खत्म हो जाए, खल्लास हो जाए। जो यूनिट तुमको याद नहीं हो रहा, जो यूनिट तुमको बहुत परेशान कर रहा है, वो यूनिट बहुत बढ़िया से खत्म करवा दूंगा आज। आज का क्लास में दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फटाफट से पहले लाइक करो, जुड़ो और बताओ कि आप लोग क्या रेडी हो या नहीं। बोलो क्या आप लोग रेडी हो आज इस सेशन के लिए? क्या आप लोग रेडी हो या नहीं? एक बार जमने दो, एक बार जुड़ने दो, बच्चे लोगों को जुड़ने दो, फिर ये बेहतरीन सा चैप्टर, फिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हो पब्लिक? क्या बोलते हो पब्लिक? जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुकना दोस्तों, एक मिनट रुकना। शीश महल में मुझको भाई, ठीक है ना भाई? तुझ संग रूं, चलो ठीक है। सारा कैमरा एंगल ठीक है, वॉइस ठीक है, सब चीज ठीक है, कोई भी ग्लिच नहीं है बेटा, कोई भी ग्लिच नहीं है। बस आपके पढ़ाई में ग्लिच है, बस आपके पढ़ाई में ग्लिच है नालायक, वो ग्लिच को सॉल्व करना है, कोई भी इधर ग्लिच नहीं है। चला जा, शुरू करते हैं हम लोग। इस चैप्टर का नाम क्या है, इस यूनिट का नाम क्या है? इस यूनिट का नाम है दोस्तों करेंट कंप्यूटिंग पैराडिगम। कौन सा जापानीज वर्ड यूज कर दिया सर? कौन सा चाइनीज वर्ड यूज कर दिया? अरे करेंट कंप्यूटिंग पैराडिगम। इस चैप्टर में हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग? आप लोग जो डेटा, जो स्टोरेज आजकल यूज करते हो, जो स्टोर करते हो डेटा, जो इंफॉर्मेशन, जो फोटोज वीडियोज जहां पे स्टोर करते हो, उसका नाम क्या है? क्लाउड। अरे वो बादल का बात नहीं कर रहा हूं। ए खुदा तू बोल दे मेरे बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। वो वाला बादल नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो। खुदा भी बोलता होगा, अरे भाई तेरा बादल तेरा बाप का है क्या? आज पढ़ने वाले हैं बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड व्हाट सर? क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे अपने डेटा को, जहां पे अपने फोटोज को, जहां पे अपने वीडियोज को, जहां पे अपने सारे के सारे इंफॉर्मेशन को आप क्लाउड पे स्टोर कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दोस्तों जहां पे अपने फोटोज वीडियोस फाइल्स का बैकअप बना सकते हो और क्लाउड पे रख सकते हो। जैसे एग्जांपल गूगल ड्राइव। आजकल आप लोग फोटो वीडियो का बैकअप करते हो ना गूगल ड्राइव में, कि क्या पता ये छोटा सा फोन से अगर मेरा फोटो गायब हो जाए, क्या पता ये मेरा प्यारा सा मुखरा वाला फोटो अगर गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। इसीलिए मैं क्या करता हूं, क्लाउड पे रख लेता हूं। क्लाउड पे हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो एप्लीकेशन अभिषेक झा क्लासेस, अभिषेक झा क्लासेस में कम से कम, ये एप्लीकेशन में कम से कम आज के डेट में 300-400 जीबी का वीडियोस पड़ा हुआ है, 300-400 जीबी। अब ये 300-400 जीबी क्या आपके पीसी में है, क्या आपके फोन में है? नहीं, ये क्लाउड पे स्टोर है। हमने क्लाउड सर्विसेस को खरीदा है दोस्तों, हमने एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से क्लाउड को खरीदा है और यहां पे हम अपना रख सकते हैं स्टोरेज। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब अपने डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, अपने डेटा को आप स्टोर कर सकते हो क्लाउड पे। बस आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास होना चाहिए इंटरनेट। इंटरनेट है बेटा आपके पास तो वो सारा का सारा स्टोरेज को तुम रख सकते हो। जैसे पुराने जमाने में पापा लोग, अंकल लोग क्या करते थे, मेमोरी कार्ड खरीदते थे। सर 32 जीबी का मेमोरी कार्ड, 64 जीबी का मेमोरी कार्ड, 132 जीबी का मेमोरी कार्ड, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, फिजिकल, इतना बड़ा बड़ा फिजिकल डिवाइस खरीदते थे। आजकल वो चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं है। आजकल अपना डेटा को आप कहाँ पे रख सकते हो बेटा, क्लाउड पे रख सकते हो। कहाँ पे रख सकते हो? क्लाउड पे रख सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? सीधा सा बात है, सीधा सा डेफिनेशन दे के आ जाना। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड स्टोर डेटा, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब अपने डेटा को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने सर्विसेज को, अपने एप्लीकेशंस को आप इंटरनेट के थ्रू रख सकते हो। आपको लोकल सर्वर्स या आपको पर्सनल कंप्यूटर, आपको पीसी, लैपटॉप किसी पे विश्वास करने का दरकार नहीं है। आप एक काम करो, बैकअप बना के रख लो,
बचपन से पचपन तक का फोटो क्लाउड में रहेगा बेटा, बचपन से आपका बचपन से पचपन तक का फोटो क्लाउड में स्टोर रहेगा। अच्छा बोलो, कभी ना कभी तो आप लोग फेसबुक अकाउंट खोले होंगे, कभी ना कभी बचपन में आप लोग बाबू सोना के चक्कर में या तो अपने फ्रेंड्स के बहकावे पे या तो एक्साइटमेंट पे कभी ना कभी तो फेसबुक अकाउंट खुला होगा ना। फेसबुक अकाउंट में अभी तक तुमने हजारों फोटोज अपलोड कर दिए, हजारों रील्स अपलोडेड है, क्या वो तुम्हारे पीसी में या क्या वो तुम्हारे पर्सनल डिवाइस में भी है? नहीं सर, पीसी में नहीं है या मेरे पर्सनल मोबाइल में नहीं है वो सब सारा रील्स। वो सब सारा रील्स फेसबुक अकाउंट पे अपलोडेड है, इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है। तो उसको तुम एक्सेस कहाँ से कर पा रहे हो? उसको तुम इंटरनेट के हेल्प से एक्सेस कर पा रहे हो, बिकॉज वो सब सारा डेटा जो है वो सब सारा डेटा क्लाउड पे सेव्ड है बेटा, क्लाउड पे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे अपने आप डेटा, एप्लीकेशन, सर्विसेस इंटरनेट पे रख सकते हो। आपको लोकल सर्वर्स, आपको पर्सनल कंप्यूटर पे रिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से क्या मिलता है आपको? फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, स्केलेबिलिटी मिलता है। जितना डेटा रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इंफॉर्मेशन, जितना डेटा आपको रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका कॉस्ट सेविंग भी होता है दोस्तों, कॉस्ट सेविंग, खर्चा बचता है। मेमोरी कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा अभी आपको बड़ा बड़ा मेमोरी कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा, 32 GB का, 64 GB का, ठीक है? मशीन्स नहीं खरीदने पड़ेंगे और आप उसको कहीं से भी कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? आपके पास क्या होना चाहिए? ईमेल आईडी होना चाहिए बस, और पासवर्ड होना चाहिए। आप उस डेटास को कहीं से भी कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे, कोई सा भी डिवाइस में एक्सेस कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे आप अपने फोटोज, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, फाइल्स सब कुछ स्टोर कर सकते हो, जिसको आप कहीं से भी कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट होना चाहिए भाई, सबसे बड़ा चीज, इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। इंटरनेट नहीं है तो नहीं एक्सेस कर पाओगे, सीधा सा बात है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करता है आपको। आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से दिन में देखो, रात में देखो, कहीं पे भी देखो, जम्मू कश्मीर में देखो, कन्याकुमारी में देखो, आपका डेटा एकदम सेफ है। आपका डेटा क्लाउड पे है दोस्तों, आपका डेटा एकदम सेफ है, आपका डेटा क्लाउड पे है, ठीक है? तो इतना तक आप लोग लिख देना, इतना तक आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में लिख देना। लिख दोगे ना भाई? प्लीज 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 आप लोग चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट कीजिए। क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग का डेफिनेशन बताइए फटाफट से। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस एंड स्टोर डेटा, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन लोकल सर्वर्स। अपना लोकल सर्वर्स या अपना पर्सनल कंप्यूटर पे रिलाई करने से अच्छा है क्लाउड पे रख लो अपना डेटा, गूगल ड्राइव पे रख लो अपना डेटा, बैकअप करके रख लो फोटोज वीडियोस, कभी भी वो गायब नहीं होगा, कभी भी वो डिलीट नहीं होगा, सिंपल से बात है। अब एक बार मेरिट्स और डीमेरिट्स पर भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहला मेरिट्स है कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग करते हो तो आपको फिजिकल हार्डवेयर या कोई मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, बराबर है? मेमोरी कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा आपको, स्टोरेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, आपको फिजिकल हार्डवेयर नहीं खरीदना पड़ेगा, आप अपने डेटा को क्लाउड पे रख सकते हो, क्लाउड पे। इसके बाद स्केलेबिलिटी, आप अपने डेटा को अपने हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से रख सकते हो। आपको कम डेटा रखना है कम डेटा रखो, ज्यादा डेटा रखना है ज्यादा डेटा रखो, स्केल कर सकते हो आप अपने डेटा को, ठीक है? एक्सेसिबिलिटी, आप कहीं से भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास ये इंटरनेट है, ये जो है आपके पास इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट का सुविधा अवेलेबल है तो वो डेटा को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद रिलायबिलिटी, ये रिलायबल है, ये भरोसेमंद है, ये लॉयल है, ये लॉयल है। आपका डेटा अगर मान लीजिए आपका फोन से डिलीट कर दिया किसी ने, कोई एक बच्चा या कोई आपका दुश्मन आपका इंपॉर्टेंट डेटा, आपका इंपॉर्टेंट फाइल ये फोन से डिलीट कर दिया, तो आप क्लाउड पे भी सेव करके रखे हो, बैकअप करके रखे हो, क्लाउड से डाउनलोड कर लो बेटा, गूगल ड्राइव पे भी रखे हैं सर, वहां से डाउनलोड कर लो, रिलायबल भी है, रिलायबल भी है, ठीक है? आइए अब पढ़ते हैं डीमेरिट्स क्या क्या है, डीमेरिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट्स आर डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? भाई सिक्योरिटी कंसर्न बहुत आता है इस ना, और अगर तुम अपना डेटा क्लाउड पे रखोगे ना तो बस ईमेल और बस ये पासवर्ड ही तो चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, तुम्हारा हैक करके कोई तुम्हारा डेटा चोरी कर लेगा, कोई तुम्हारा पर्सनल फोटो, कोई तुम्हारा पर्सनल वीडियो, तो कोई तुम्हारा पर्सनल फाइल चोरी कर लेगा। डेटा ब्रीचेस होता है यहाँ पे, साइबर अटैक्स होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप क्लाउड पे रखे हो तो चोरी कर लेगा कोई, आपका चोरी कर लेगा डेटा।
इसके बाद आपका इंटरनेट पे ना डिपेंडेंस बढ़ जाएगा, आप बेकार बन जाओगे। मतलब सीधा सा बात है, आपको इंटरनेट पर डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आपको कोई फोटो देखना है, अगर आपको वीडियो देखना है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आपका लुल हो जाएगा दोस्तों, लुल हो जाएगा, लुल। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, आपका डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा। रिक्वायर्ड से स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आप लोगों को वो सब सारा डेटा को एक्सेस करने के लिए। आपके पास दोस्तों लिमिटेड कंट्रोल रहेंगे, कोई भी एक सर्कमस्टेंसेस हो, आपका डेटा अगर बेटा क्लाउड पे सेव्ड है तो आपके पास लिमिटेड कंट्रोल है, लिमिटेड कंट्रोल, लेस कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अंडरलाइंग सिस्टम्स। आपके पास बहुत लिमिटेड कंट्रोल है, क्लियर है। चलिए ये मत पढ़िए, चलिए ये क्या है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो बताइए क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बार मेरिट्स और एक बार डीमेरिट्स बता दीजिए। मेरिट्स डीमेरिट्स बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग का मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दो, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो यूजर्स को ये अलाउ कर सकता है कि भाई तुम अपने डेटा को, तुम अपने इंफॉर्मेशन को, फोटोज को, वीडियोस को, जो भी रखना है अपने डेटास को आप क्लाउड पे रखो, वो परमानेंटली सेव हो जाएगा, वो परमानेंटली वहां पे सेव हो जाएगा। सिंपल सा बात है, आप अपने डेटा को, एप्लीकेशन को, सर्विसेज को इंटरनेट पे रख लो भाई, अपना लोकल सर्वर पे रिलाई मत करो, क्या पता वो कब खराब हो जाए। इसीलिए बैकअप रख लो, बैकअप फोटोज वीडियोस, क्लियर है। जैसे हमारे एप्लीकेशन में 300-400 जीबी का भी वीडियो पड़ा हुआ है, ये सब सारा वीडियो क्या आपके पर्सनल कंप्यूटर या पर्सनल फोन में क्या जगह ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल नहीं सर। तो हम लोग कहाँ पे रखते हैं? हम लोग क्लाउड पे रखते हैं उसको, क्लाउड पे। हम लोग क्लाउड सर्विसेज लिए हुए हैं, हम लोग क्लाउड पे रखते हैं, हम लोग क्लाउड सर्विसेज लिए थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर साल पेमेंट करते हैं, हर साल एक प्रीमियम अमाउंट हम लोग पेमेंट करते हैं रखने का, कि भाई देखो भाई स्टोरेज इतना हमारा होने वाला है, प्लीज हमको रखने दो अपने क्लाउड पे। सिंपल से बात है, ये क्या क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाउड का कितना ये टाइप है, क्लाउड का कितना प्रकार होता है। ध्यान से समझो आप लोग, क्लाउड का चार टाइप्स होता है। लोग बोलते हैं क्लाउड का तीन टाइप्स होता है, नहीं, मैं बोलूंगा क्लाउड का चार टाइप्स होता है। चार टाइप होता है बेटा। एक होता है बेटा पब्लिक क्लाउड, एक क्या होता है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा जो कि एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर कोई एक्सेस कर पाएगा, हर कोई, आप, दुनिया, मैं, सब कोई एक्सेस कर पाएगा, पूरा दुनिया एक्सेस कर पाएगा। जिस क्लाउड पे अपना डेटा पूरा दुनिया रख सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक क्लाउड। जो पब्लिकली अवेलेबल है जैसे गूगल ड्राइव पे अपना डेटा आप भी रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूँ, आपका दोस्त भी रख सकता है, मम्मी पापा भी रख सकता है, पूरा दुनिया रख सकता है, जो एक्सेसिबल टू एवरीवन, जैसे गूगल ड्राइव। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, मेरा खुद का पर्सनल क्लाउड जिसपे सिर्फ मैं ही रखूंगा, मेरा खुद का प्राइवेट क्लाउड जिसपे मैं खुद का डेटा खुद रखूंगा। ये बड़े बड़े कंपनीज करते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, अदानी, अंबानी, ये लोग करते हैं ऐसा, जिनके डेटास बहुत बड़े लेवल के होते हैं और जिनको अपना डेटा का चोरी हो जाने का बहुत ज्यादा डर लगता है, वो लोग खुद का प्राइवेट क्लाउड बनवाते हैं जहां पे सिर्फ वही अपना डेटा को स्टोर करते हैं, प्राइवेट क्लाउड। एक होता है पब्लिक क्लाउड जो कि एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर कोई रख सकता है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करवाता है, कुछ प्रीमियम भी ले सकता है आपसे और आप उस पर अपना डेटा रख सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में एक लिमिट क्रॉस कर जाने के बाद आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है ना बेटा, वो क्या है पब्लिक क्लाउड, हर कोई एक्सेस कर सकता है, हर कोई उसमें अपना डेटा रख सकता है। एक हो गया प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या, प्राइवेट क्लाउड मतलब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का पर्सनल क्लाउड बनाया, मैं खुद का पर्सनल क्लाउड बनाऊंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइवेट क्लाउड। एक होता है हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड इज द मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड इज द मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। एक होता है कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स ने मिलके, बहुत सारे कॉलेज ने मिलके अपना खुद का एक पर्सनल क्लाउड बना लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक क्लाउड के बारे में। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, एक बार डेफिनेशन तो पढ़ाओ। सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, रिसोर्सेज आर शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये रिसोर्सेज को शेयर करते हैं।
सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिक क्लाउड मतलब पब्लिकली अवेलेबल, इजीली एक्सेसिबल टू एवरीवन, जैसे गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे पूरी दुनिया, पूरी जहां अपना डेटा को स्टोर करते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये क्या पब्लिक क्लाउड। बात करते हैं दूसरा टाइप। अच्छा एडवांटेज, एडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, नो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है इसका, स्केलेबल है और हाईली अवेलेबल, सबके पास ये अवेलेबल है। गूगल ड्राइव तो सबके पास अवेलेबल है, पब्लिक क्लाउड पब्लिकली क्लाउड मतलब पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई एक्सेस कर सकता है ये क्लाउड को, हर कोई अपना डेटा उस पर शेयर कर सकता है, सिंपल से बात है। बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या है, प्राइवेट क्लाउड मतलब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन ही अपना डेटा रखेगा। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय ए सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, या तो हो सकता है रिलायंस रखा है अपना डेटा, रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी, मुकेश भाई अंबानी इतना अमीर इंसान, इतना अमीर इंसान, वो क्या करेगा, वो खुद का पर्सनल क्लाउड बनवाएगा, बोलेगा मेरे को खुद का पर्सनल क्लाउड चाहिए, मेरे को कोई भी डेटा ब्रीचिंग नहीं चाहिए, मेरे को कोई भी साइबर अटैक नहीं चाहिए, इसलिए मैं खुद का पर्सनल क्लाउड बनवाऊंगा जहां पे मैं खुद का डेटा खुद ही रखूंगा। तो प्राइवेट क्लाउड का एग्जांपल क्या हो गया, कौन कौन, कौन कौन प्रोवाइड करता है, अरे प्रोवाइडर है VMware, OpenStox, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड में क्या है, ग्रेटर कंट्रोल, आप कंट्रोल कर पाओगे, आप बहुत ज्यादा कंट्रोल है आपका उस पर, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बारीकी से देख पाओगे, आपका खुद का पर्सनल क्लाउड है, आपने खुद खरीदा है, मेरा खुद का पर्सनल क्लाउड है ये, सिर्फ मैं ही डेटा स्टोर करूंगा इसमें, मैं खुद का डेटा स्टोर करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, प्राइवेट क्लाउड। इनहैंस्ड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इसमें बहुत ज्यादा है। कस्टमाइजेशन, अपने हिसाब से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, किस तरीके से आपको क्लाउड बनाना है, क्या क्या फीचर देना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो क्लाउड को, ठीक है। और भाई डिसएडवांटेज मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है, आपका खुद का पर्सनल क्लाउड होगा तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा, रिक्वायर्स मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी लगेगा, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केल नहीं कर सकते ज्यादा आप उस क्लाउड को, वो क्लाउड एक लिमिटेड ही रहेगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, दैट्स इट, दैट्स इट, हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड अलाउइंग डेटा एंड ऑपरेशंस टू बी शेयर्ड बिटवीन देम। ये मॉडल जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सर इसका प्रोवाइडर कौन कौन है, IBM हाइब्रिड क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर प्रोवाइड करता है, ये सब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स है जो कि हाइब्रिड क्लाउड प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशंस को। ये क्या करता है सर, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, ये कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करता है, थोड़ा कम खर्चा लगेगा, अरे प्राइवेट क्लाउड के कंपैरिजन में तो थोड़ा कम खर्चा लगेगा ना, और सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी को भी बैलेंस कर देता है ये, ठीक है। और इसमें बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजमेंट, जैसे कि पोटेंशियली फॉर कंपेरेबिलिटी लॉस, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, हाइब्रिड क्लाउड का जस्ट डेफिनेशन पढ़ लेना, डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है। एक होता है कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल देता हूँ, आपका कॉलेज का नाम क्या है, मान लो आपका कॉलेज का नाम है प्रफुल्ला चंद्र कॉलेज, एक है गोइंका, एक है भवानीपुर, ठीक है, ये तो अमीर वाला कॉलेज आ गया, खाली अमीरी दिखाता रहता है भवानीपुर वाला, अमीर वाला कॉलेज, अमीरों वाला कॉलेज, ये तो ससुरा बोलेगा हम खुद का पर्सनल वाला क्लाउड बनवाएंगे, हम इन सब में नहीं मिलेंगे, आई एम डिफरेंट, भवानीपुर वाला बोले आई एम डिफरेंट, सॉरी, फिर भी एग्जांपल ले लिए। एक हो गया जयपुरिया, ये क्या के चारों कॉलेज ने मिलकर अपना खुद का पर्सनल क्लाउड बनवाया, ये चारों कॉलेज ने मिलकर अपना खुद का पर्सनल क्लाउड बनवाया, और ये लोग डिसाइड किया कि हम लोग अपना डेटा जो है वो इसमें शेयर करेंगे, इसी क्लाउड में हम लोग शेयर करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी क्लाउड। एक कम्युनिटी बना के जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, एक कम्युनिटी जिसका कॉमन ऑब्जेक्टिव हो उसका एक पर्सनल क्लाउड रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी क्लाउड। मतलब ये चारों कॉलेज ने मिलकर अपना खुद का पर्सनल क्लाउड बनवाया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी क्लाउड। ओके आइए इसको पढ़िए। ए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन विद द कॉमन कंसर्न सिक्योरिटी कंप्लायंस हो गया, मिशन हो गया, इट कैन बी मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द थर्ड पार्टी। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, एग्जांपल हो गया गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारा गवर्नमेंट एजेंसीज करता है ऐसा, क्योंकि सबका तो कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है ना भाई, सब एक ही क्लाउड पे अपना डेटा को स्टोर करता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, बहुत सारे स्कूल्स मिलके खुद का एक क्लाउड बनवा लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिटी क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है। आइए
आगे अब ये बताइए कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं, जल्दी बोलो आप लोग कि कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं, चैट बॉक्स में आप लोग लिखो फटाफट से कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं, लिखो जल्दी लिखो। सर लिख रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्लाना पड़ता है, जल्दी लिखो कितने टाइप्स के क्लाउड होते हैं, लिखो भाई लिखो। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, क्या नहीं होता है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। आइए, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है देखिए। ए सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच इज ए वे ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर वेयर द फोकस इज क्रिएटिंग रीयूजेबल सेल्फ कंटेन्ड सर्विसेज दैट कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड एंड यूज्ड बाय द डिफरेंट एप्लीकेशंस। मतलब सिंपल सा बात है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे बेटा जी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर दूसरे एप्लीकेशंस में भी रीयूज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। मैं अपना कहानी समझाता हूं। मैं एक दिन डेवलपर से बात किया, जब मैं बहुत बिगिनिंग फेज में था, जब मेरा एप्लीकेशन खुद का नहीं था, मैं डेवलपर से कॉल करके बात किया, हेलो 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 डेवलपर जी मेरा एप्लीकेशंस बनवाना है। वो बोला कौन सा एप्लीकेशन बनवाना है सर, पर्सनलाइज्ड बनवाना है या वाइट लेबल बनवाना है, पर्सनलाइज्ड बनवाना है, खुद का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बनवाना है या वाइट लेबल बनवाना है। मैंने बोला सर एक काम करो, पर्सनलाइज्ड बनवा दो, मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड रहेगा तो बढ़िया बात है ना। बोला ठीक है, आप एक काम करो, 20 लाख रुपए रेडी रखो। मैं तो बेहोश हो गया भाई, मेरा बीपी शुगर सब उधर बढ़ गया, मैं तो बेहोश ही हो गया कि 20 लाख कहां से रेडी रखूं, मैं खुद का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बनवाना है तो मैं 20 लाख रुपए कहां से रेडी रखूं, ये क्या बात कर रहे हैं आप, 20 लाख एक एप्लीकेशन बनवाने के चक्कर में 20 लाख। वो बोला ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 50 लाख 1 करोड़ लग जाते हैं, खान सर का एप्लीकेशन देख लीजिए, फिजिक्स वाला का एप्लीकेशन देख लीजिए, 1 करोड़ लग जाता है एप्लीकेशन बनवाने में, ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बनवाना है आपको इतना तो लगेगा। मैं बोला नहीं सर इतना मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ करो। वो बोला कि इसीलिए मैंने आपको और एक ऑप्शन दिया था, वाइट लेबल एप्लीकेशन। वाइट लेबल एप्लीकेशन मतलब एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उन लोगों के द्वारा बनाया गया है, उसी में मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा सारा का सारा टेक्सचर सब कुछ एडिट करके ये लोग मुझको दे देगा, सिंपल सा बात। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। यही एक एग्जांपल है सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब सिंपल सा बात है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे जो सॉफ्टवेयर दूसरे एप्लीकेशन में रीयूज हो जाए, जो सॉफ्टवेयर दूसरे एप्लीकेशन में इजिली हम इंटीग्रेट कर पाए, रीयूज कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको बहुत इजी याद करना है। ए सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच इज ए वे ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर वेयर द फोकस इज ऑन क्रिएटिंग रीयूजेबल, मतलब जहां पे फोकस क्या रहेगा, रीयूजेबल सॉफ्टवेयर या सेल्फ कंटेन्ड सर्विसेज को क्रिएट करना है और इजिली हम दूसरे एप्लीकेशन में जिसको इंटीग्रेट कर पाए, वैसा एप्लीकेशन हम लोगों को क्रिएट करना है, वैसे सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्रिएट करना है। सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच मतलब सिंपल से बात है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर ना कि सिर्फ एक एप्लीकेशन में यूज हो, बहुत सारे एप्लीकेशन में हम लोग उस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर पाए, यूज कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। बस ऊपर से पढ़ लेना है, बस इसको ऊपर से पढ़ लेना है। इसके बाद ये भी पढ़ लीजिएगा, दिस अप्रोच अलाउज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज एक बार आपने डेवलप कर लिया, हजारों बार आप यूज करोगे, वो डेवलपर कितना कमाएगा सोचो, वो मेरे को व्हाइट लेबल बेचेगा, किसी और को व्हाइट लेबल बेचेगा, बस एडिट ही तो करना है उसको, 20 दिन में या 30 दिन में वो एडिट कर देगा, सारा का सारा चेंज कर देगा और वो कमा लेगा 50-60 हज़ार रुपये आराम से व्हाइट लेबल एप्लीकेशन के। एक बार वो सॉफ्टवेयर बनाया, उस सॉफ्टवेयर में 20-30 दिन का मेहनत करता है और पूरा का पूरा वो कमाते जाता है भाई, डेवलपर साहब तो एकदम अरे करोड़पति बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस अप्रोच अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एज सर्विसेज कैन बी इंडिपेंडेंटली डेवलप अपडेटेड और रिप्लेस्ड विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम को अफेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, बस अपडेट कर रहा हूँ उसको, या रिप्लेस कर रहा हूँ या डेवलप कर रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा, सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच। मैंने बोला ना कि पर्सनलाइज्ड खुद का बनाना है या वाइट लेबल बनाना है। वाइट लेबल का मतलब क्या है, वाइट लेबल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, ऑलरेडी वो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बना के रखा था, अब वो सॉफ्टवेयर में मेरा नाम डाल देगा, मेरा फोटो डाल देगा, मेरा लोगो डाल देगा, बस एडिट कर देगा, एडिट करके अपडेट करके मेरे को दे देगा, बस इतना सा काम रहता है उन लोगों को, 20-30 दिन का काम रहता है, उसमें वो लोग 50-60 हज़ार रुपये छाप लेते हैं आराम से मस्त।
इसी को बोलते हैं वाइट लेबल एप्लीकेशन। और एक होता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब मैं खुद का अपना पर्सनलाइज्ड बनाऊंगा एकदम यूनिक, जो किसी का भी नहीं है, एकदम यूनिक, जस्ट लाइक फिजिक्स वाला, जस्ट लाइक खान सर का एप्लीकेशन, खुद का पर्सनलाइज्ड बनाना है मेरे को, खुद का कस्टमाइजेशन चाहिए उसमें, तो फिर तो मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, 20-30 लाख रुपया खर्चा है उसमें, 20-30 लाख रुपया मिनिमम। ठीक है, एप्लीकेशन बनाना इतना आसान नहीं है भाई, एप्लीकेशन हर कोई नहीं बना पाता है। ठीक है, आ जा, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए बच्चों, हम लोग अभी वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे। वर्चुअलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअलाइजेशन सर, क्या होता है ये वर्चुअलाइजेशन? सुनिए, एक मिनट सुनिए। आपके पास एक फिजिकल हार्डवेयर होगा, आपके घर में एक फिजिकल हार्डवेयर होगा दोस्तों, बेसिक से समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक से ही समझा रहा हूं। आपके पास इस तरीके से एक फिजिकल हार्डवेयर होगा, आप एक फिजिकल हार्डवेयर से कितना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं पहले ये बताइए तो, आप एक फिजिकल हार्डवेयर से कितना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? सर एक बार में तो एक ही टास्क परफॉर्म कर सकते हैं सर, लेकिन मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको हजारों टास्क परफॉर्म करना होगा, जहां पे आपको 5-6 टास्क एक कंप्यूटर या एक सिस्टम से कम परफॉर्म करना रहेगा, तो आप क्या करोगे? हजारों फिजिकल मशीन खरीदोगे क्या? हजारों फिजिकल डिवाइस खरीदोगे क्या? नहीं, आप एक काम करोगे ना, आप इसी फिजिकल डिवाइस को, आप इसी फिजिकल हार्डवेयर को बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स में तब्दील कर दोगे। एक ही फिजिकल हार्डवेयर को आप बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स में तब्दील कर दोगे, यानी कि एक ही फिजिकल मशीन आपका बहुत सारा हिस्सा में बढ़ जाएगा और बहुत सारा टास्क परफॉर्म करने लगेगा। देखिए मैं आपको बेसिक से समझाता हूं, ये आपका मशीन है, इसमें रैम है, इसमें रोम भी है, इसमें स्टोरेज भी है, इसमें आपका नेटवर्क भी है, बहुत सारा चीज है इसमें आपका, और हर चीज का बंटवारा कर देगा वो वर्चुअल मशीन से। इसमें आप क्या करोगे, जस्ट इसमें आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे, इसमें आप जस्ट एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, डालोगे, इसका नाम है दोस्तों हाइपरवाइजर। ये हाइपरवाइजर को डालते ही ये मशीन अपने आप को 4 वर्चुअल मशीन में तब्दील कर देगा। यह है VM1, यह है VM2, यह है VM3, यह है VM4। यानी एक मशीन से आपका 4 टास्क परफॉर्म होगा। आप एक ही मशीन 4 मशीन में बदल गया, अपना रैम, रोम, स्टोरेज, नेटवर्क सबका बंटवारा कर लिया। इन सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन, मतलब बहुत सारे वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्वर्स में तब्दील कर लिया अपने आप को। आपके पास एक ही फिजिकल मशीन है दोस्तों, आपके पास मशीन है एक, लेकिन काम कर रहा है 4। वाव सर वाव। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन। मतलब आपने एक हाइपरवाइजर बोल के एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, अब एक मशीन, वो एक मशीन आपका 4 वर्चुअल मशीन में तब्दील हो गया, मतलब कि ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि आप एक बार में अभी 4 काम कर सकते हो। एक ही मशीन के थ्रू आप एक बार में 4 काम कर सकते हो, बिकॉज वही मशीन 4 वर्चुअल मशीन में तब्दील हो गया। सिंपल से बात है। आइए एक बार इसको पढ़ते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट यू कैन यूज टू क्रिएट वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्वर्स। तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहां पे आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स बना सकते हो, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स बना सकते हो। आपके पास एक ही फिजिकल मशीन है, आप क्या कर दिए? आप उसी का 4 हिस्सा कर दिए, VM1, VM2, VM3, VM4, बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स बना दिए, बांट दिए स्टोरेज को, नेटवर्क को, रैम को, रोम को, सबका बंटवारा कर दिया। आप एक तगड़ा सा फिजिकल मशीन खरीदे और उसका 4 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिए और सारा का सारा चीज का बंटवारा कर दिए। इससे क्या हुआ? इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 एम्प्लॉय है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 ऐसे करके सिस्टम है, PC है। अब 4 एम्प्लॉय अपना अपना टास्क एक ही फिजिकल मशीन से परफॉर्म कर सकता है, चारों एम्प्लॉय अपना अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन। व्हाट सर? वर्चुअलाइजेशन। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है देखिए, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट यू कैन यूज टू क्रिएट वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क एंड अदर फिजिकल मशीन। मतलब सर्वर का बंटवारा कर सकते हो, स्टोरेज का बंटवारा कर सकते हो, नेटवर्क्स का बंटवारा कर सकते हो, फिजिकल मशीन का बंटवारा कर सकते हो। सबको बांट दो भाई, 4 हिस्से में बांट दो एक फिजिकल मशीन को। इसके बाद देखो, वर्चुअल सॉफ्टवेयर मिमिक्स द फंक्शन ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। जो फिजिकल हार्डवेयर करता है वही एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर भी कर सकता है।
बस वो दिखता नहीं है, बस वो इंटेंजिबल है। जब अपने आप को वो वर्चुअल मशीन्स में बदल देगा ना, तो वो चाटो मशीन का ही रोल प्ले करेगा। सिंपल से बात है, एक मशीन आपने खरीदा, उसको आपने तब्दील कर दिया चाटो वर्चुअल मशीन्स में, तो वो सेम रोल प्ले करेगा एज कंपेयर टू फिजिकल हार्डवेयर। जो रोल फिजिकल हार्डवेयर प्ले करता है, वही सेम रोल वर्चुअल मशीन्स प्ले करेगा। क्लियर है? यहां पे क्या लिखा हुआ है, टू रन मल्टीपल वर्चुअल मशीन साइमल्टेनियसली ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन। एक सिंगल फिजिकल मशीन पे आप बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स को चला सकते हो, बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स को चला सकते हो। बिकॉज ऑफ द वर्चुअलाइजेशन यू कैन यूज द हार्डवेयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड गेट रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। मतलब बहुत सारे हार्डवेयर मशीन्स आपको खरीदने नहीं पड़ेंगे। पहले क्या करते थे, पहले अगर आपके ऑफिस में चार ठो एम्प्लॉय है तो चार ठो आपको हार्डवेयर मशीन खरीदना पड़ता था, लेकिन आजकल नहीं भाई, आजकल सिर्फ एक ही हार्डवेयर मशीन खरीदो, उसमें हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करो और बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दो खुद ही, जिससे चारों का काम परफॉर्म हो जाए। एक ही मशीन खरीदो, उसका बंटवारा कर दो, सीधा सा बात है, और सेम ही चार टास्क को परफॉर्म करने लगेगा। एक ही मशीन चारों टास्क परफॉर्म करने लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। इट ऑल्सो पावर्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर मोर एफिशिएंटली। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी देता है। सिंपल सा बात है, वर्चुअलाइजेशन के हेल्प से आप क्लाउड कंप्यूटिंग भी कर सकते हो, अपने डेटा को क्लाउड पे भी स्टोर कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों को दो मार्क्स के लिए लिखना है, इतना आप पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है? तो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। सबसे पहले होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या सर? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन जहां पे आपके पास एक फिजिकल हार्डवेयर रहेगा, इसको बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स में आप तब्दील जब कर दोगे, VM1, VM2, VM3, VM4, आपके पास एक ही फिजिकल मशीन है और उसको बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स में आप जब ट्रांसफॉर्म कर दोगे, उसको क्या बोलेंगे, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्टिंग द फिजिकल हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स दैट कैन रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस इंडिपेंडेंटली। अपने आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आप चला सकते हो, एक ही कंप्यूटर में आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस चला सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हो गया हाइपरवाइजर, हाइपरवाइजर आपने इंस्टॉल किया उसमें, तो VM1, VM2, VM3, VM4 बहुत सारे टुकड़े में बांट दिए इन्होंने। इसके बाद सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ए टाइप ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन वेयर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर आर क्रिएटेड ऑन ए सिंगल फिजिकल सर्वर। एक फिजिकल सर्वर आपके पास पड़ा हुआ है जहां से आप बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन। मतलब सर्वर का बंटवारा अगर हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वर वर्चुअलाइजेशन। सिंपल, एक फिजिकल सर्वर है आपके पास, एक फिजिकल सर्वर के थ्रू आप बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स का वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास और आप उसको, एक OS कर्नल है आपके पास, आप उस OS कर्नल के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल आइसोलेटेड यूजर स्पेस, बहुत सारे OS के काम कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन से। एंड एक होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। मान लीजिए एक डिवाइस में, एक फिजिकल हार्डवेयर में आपका 1 TB स्टोरेज है, 1 TB, 1 TB का स्टोरेज है। एक फिजिकल हार्डवेयर में आपका पूरा का पूरा 1 TB का स्टोरेज है, 1 TB मतलब 1000 GB, 1000 GB का स्टोरेज है। आपने क्या किया, आपके पास चार ठो सिस्टम है, ये एक सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम, ये तीसरा सिस्टम, ये चौथा सिस्टम। आपने क्या किया, ये 1 TB को बांट दिया, बंटवारा कर दिया, ये 1 TB के स्टोरेज को बंटवारा कर दिया। यहाँ पे आपने 250 GB रखा, यहाँ पे आपने 250 GB रखा, यहाँ पे आपने 250 GB रखा, यहाँ पे आपने 250 GB रखा। इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। कंबाइंस फिजिकल स्टोरेज फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस इनटू द सिंगल यूनिफाइड स्टोरेज रिसोर्स दैट कैन बी मैनेज केयरफुली, ठीक है? जिसको सेंट्रली मैनेज किया जा सकता है। यानी आपका एक ही डिवाइस में स्टोरेज है 1 TB का, आपने उस स्टोरेज का बंटवारा कर दिया चार ठो PC में या चार ठो कंप्यूटर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है? आइए आगे। तो वर्चुअलाइजेशन के कितने टाइप्स है बताओ, चैट बॉक्स में बोलो भाई, चैट बॉक्स में बोलो, वर्चुअलाइजेशन के कितने टाइप्स है, जल्दी बोलो, वर्चुअलाइजेशन के कितने टाइप्स है, जल्दी बोलो। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस मॉडल, यानी कि क्लाउड के हेल्प से, क्लाउड को बेच के किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, क्लाउड को या वर्चुअल मशीन्स को या स्टोरेज को बेच के किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लाउड बिजनेस मॉडल। क्लाउड बिजनेस मॉडल
क्लाउड को बेच के या स्टोरेज को बेच के या वर्चुअल मशीन्स को बेच के कैसे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर लोग बिजनेस कर रहे हैं आजकल, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन फटाफट से आप लोग बताओ कि टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या क्या है, कितने टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन है? सर एक है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, एक है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, एक है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये चारों टाइप्स आपको याद करना का जरूर है। ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना भाई, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बस टाइप्स याद रहने चाहिए, बस और कुछ नहीं। आ जाओ, लाइक कर दो भाई, पसंद आ रहा है ये वीडियो तो लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से। सब चीज समझाऊंगा, ए टू जेड समझाऊंगा भाई, बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा, बीच मझधार में छोड़ के मैं नहीं जाने वाला हूं। ठीक है, आपके साथ कोई रहे ना रहे, मैं तो हूं भाई, मैं तो हूं, मैं तो आपके साथ हूं, तो इसीलिए लाइक कर दो एक बार। आ जाओ, बिजनेस मॉडल पढ़ते हैं। बिजनेस मॉडल मतलब क्या है? क्लाउड बिजनेस मॉडल। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स आजकल क्या कर रहे हैं, क्लाउड को एक बिजनेस मॉडल बना लिया है कि मैं तुमको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करूंगा उसके लिए तुम पैसे दो, मैं तुमको स्टोरेज प्रोवाइड करूंगा उसके लिए पैसे दो। गूगल ड्राइव आपके पास पैसे मांगते हैं ना, गूगल ड्राइव आपसे पैसे मांगते हैं ना आजकल स्टोरेज रखने के लिए, कि तुम्हारा लिमिट एक्सेस हो गया है, अब तुम स्टोरेज रखोगे उसके लिए तुम पैसे दो। जैसे मेरे को ना पैसे देने पड़े, मैं ना हर साल पैसा भरता हूँ स्टोरेज रखने के लिए अपना एप्लीकेशन पे, अपना एप्लीकेशन के क्लाउड पे मैं हर साल पैसे भरता हूँ, मैं हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है मेरे को मतलब स्टोरेज रखने के लिए, क्योंकि 200 300 जीबी 400 जीबी ऐसे ही अभी आ जाते हैं। अभी वेबसाइट बनाया है, वेबसाइट का ही स्टोरेज है 200 300 जीबी, तो इतना स्टोरेज रखूंगा तो मेरे को पैसे तो भरने पड़ेंगे ना। अरे थर्ड पार्टी को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे क्लाउड पे रखने के लिए, भाई पैसा भरना पड़ेगा। तो क्लाउड को बिजनेस मॉडल किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पे ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, द क्लाउड बिजनेस मॉडल एनकंपासेस वेरियस सर्विस टाइप्स दैट कैटर टू डिफरेंट नीड्स एंड लेवल ऑफ कंट्रोल। क्लाउड बिजनेस मॉडल बहुत सारे सर्विस हम लोग को देती है, क्लाउड के हेल्प से बहुत सारे सर्विसेज हम लोगों को मिलती है थर्ड पार्टी के द्वारा। कौन कौन सा सर्विसेज मिलती है उसका तीन टाइप दिया हुआ है, बिजनेस मॉडल के तीन टाइप है, किस किस टाइप के बिजनेस आप कर सकते हो क्लाउड के हेल्प से, किस किस टाइप्स के बिजनेस कर सकते हो। देखो सबसे पहले होता है IaaS, सबसे पहले होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर यानी Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सब समझाऊंगा। एक टाइप होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहां पे आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया गया कि हाँ भाई आ इस प्लेटफॉर्म पे और तू खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर, तू उसको यूज कर, तू सबको बेच वो एप्लीकेशंस बना के। इसको क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तू खुद का एप्लीकेशन, तू खुद का वेबसाइट बना और बना के तू बेच, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। और एक होता है दोस्तों, एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की रेडीमेड पूरा बना बनाया सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, ले भाई तू ऑफिस का काम कर इधर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 आपको दे दिया जाता है कि भाई तू प्रीमियम ले और तू अपना ऑफिस का काम इधर ही स्टार्ट कर, सब कुछ रेडीमेड है, सब कुछ बना बनाया है, तू स्टार्ट कर। तो क्लाउड को एक बिजनेस मॉडल के रिप्रेजेंटेशंस में किस तरीके से देखा जा सकता है? सबसे पहला टाइप होता है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब सिंपल सा बात है, यूजर्स क्या कर सकता है? वर्चुअल मशीन्स रेंट पे ले सकता है, मैं चाहूँ तो वर्चुअल मशीन्स रेंट पे ले सकता हूँ अपने थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से कि मुझको वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए जहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ, अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं एक टास्क को परफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे फिजिकल मशीन नहीं खरीदना, इसीलिए वर्चुअल मशीन आप दे दो मुझको, फिजिकल मशीन मेरे को महंगा पड़ेगा। अब मान लो एक फिजिकल मशीन मैं बाजार में गया खरीदने के लिए, फिजिकल मशीन मेरे को 10,000 का पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वही एक वर्चुअल मशीन खरीद लिया किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, वर्चुअल मशीन जो मशीन दिखता नहीं है, वर्चुअल मशीन वाला सर्विसेज अगर थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से मैं खरीद लेता हूँ ना, तो उसका कॉस्ट मेरे को 500 रुपया पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स मैं वर्चुअल मशीन ही खरीदूंगा। बात तो एक ही है, इक्विवेलेंट है, बस वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? क्लाउड पे स्टोर होगा, होने दो, क्या दिक्कत है? कभी कभी आप वर्चुअल मशीन खरीदते हो, कभी कभी आप स्टोरेज खरीदते हो, गूगल ड्राइव से आजकल स्टोरेज खरीद रहे हो ना, भाई बिल्कुल। कभी कभी आप लोग नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते हो क्लाउड प्रोवाइडर से, क्लाउड प्रोवाइडर कौन है सर? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, जैसे Amazon भी प्रोवाइड करता है, Amazon वेब सर्विसेज, E2C,
इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे, इसके बाद गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग इंजन। ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है आपको कि वर्चुअल मशीन चाहिए ले लो, स्टोरेज चाहिए ले लो, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ले लो भाई। आपको फिजिकल हार्डवेयर पे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्लाउड पे अपना डेटा रखो, आप सस्ते में सस्ते ले लो। फिजिकल हार्डवेयर खरीदने जाएगा 20,000-30,000 ऐसे ही लग जाएगा तुम्हारा, इससे अच्छा 500 का तुम वर्चुअल मशीन नहीं ले लेगा, 500 का वर्चुअल मशीन ले ले आराम से, तुम्हारा काम बन जाएगा। सेम ही तो काम है, बस अपना डेटा को क्लाउड पे रखना पड़ेगा, बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सिंपल। इसके बाद आता है दोस्तों प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे कि मेरा जो ऐप डेवलपर है उसका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों, वो बहुत गरीब डेवलपर है, वो बहुत गरीब डेवलपर है। जैसे मेरा खुद का जो ऐप डेवलपर है, जो मेरा ऐप को डेवलप करके दिया, इतना सुंदर एप्लीकेशन बना के दिया है, उसका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से खरीदता है। क्या करता है, खरीदता है कि मुझे प्लेटफॉर्म दो जहां पे मैं अपना एप्लीकेशन बनाऊं, डेवलप करूं और अपने क्लाइंट को बेचूं। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब एक प्लेटफॉर्म तुमको एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर देगा कि तू आ इधर, तू अपना एप्लीकेशन को बना, तू अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर, तू अपना एप्लीकेशन को मैनेज कर, कुछ भी करना है कर, बस पैसे दे दियो मेरे को और तू अपना एप्लीकेशन को बना के बेच दे दूसरों को, सिंपल से बात है। जैसे कि कौन कौन ये प्रोवाइड करता है सर, गूगल ऐप इंजिन, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरे ऐप सर्विसेस या हिरको, ये सब सारे जो एग्जांपल्स है ना, ये सब सारे एग्जांपल्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब क्या करता है, ये सब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि तू आ इधर, तू अपना खुद का एप्लीकेशन बना, तू अपना खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर और बेच दूसरों को, या खुद के लिए भी डेवलप कर सकता है। मेरे को अगर आता खुद का एप्लीकेशन बनाना तो मैं खुद के लिए डेवलप नहीं कर सकता, खुद के लिए भी डेवलप कर सकता है तुम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस डिलीवर्स ए प्लेटफॉर्म दैट अलाउज डेवलपर टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट डीलिंग विद द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स ए डेवलपमेंट मतलब एनवायरमेंटल एंड टूल्स, मतलब सीधा सा बात है, एक डेवलपमेंट का एनवायरमेंट क्रिएट करके देगा। तू आ, तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, तेरे को वो प्लेटफॉर्म में दे देता हूँ, तू अपना एप्लीकेशन खुशी से बना और बेच दूसरों को, बस मेरा पैसा दे दियो, ठीक है। तो जो मेरा डेवलपर है उसको खरीदना पड़ा वो प्लेटफॉर्म। एक होता है दोस्तों सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहां पे आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल गया, जहां पे आप अपना ऑफिस रिलेटेड सारा का सारा काम करो, मतलब थर्ड पार्टी प्रोवाइडर सारा का सारा चीज क्रिएट करके ऑलरेडी आपको दे दिया है, अब वो बेच रहा है, अब उसको खरीद लो और अपना ऑफिस का काम करो। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर आपको बेच रहा है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब कुछ यहां पे कुछ बनाने वनाने का झंझट नहीं है, कुछ एप्लीकेशन वेप्लीकेशन कुछ बनाने का झंझट नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको रेडीमेड मिल जाएगा बेटा, आप उस सॉफ्टवेयर का आप यूज करो, फाइनल यूज, जैसे गूगल वर्कप्लेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ये सब क्या है, ये सब एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको प्रीमियम परचेस करना पड़ता है, प्रीमियम परचेस करोगे और यूज करो, सिंपल से बात है, और कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऑफर्स फुली फंक्शनल एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन बना के दे देगा जिसको आप इंटरनेट पे यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, GTA 5, आप लोग GTA 5 ज्यादा समझ पाओगे। GTA 5 का प्राइस है दोस्तों 2500 रुपये। GTA 5 एक गेम है, वो क्या एक सॉफ्टवेयर ही है ना, पूरा का पूरा GTA 5 का गेम आपको डेवलप करके एप्लीकेशन में तब्दील करके दे दिया गया है। अब तुम खरीदो, अब तुम उसको यूज करो, खेलो और पैसा कमाओ स्ट्रीम करके, ठीक है। मतलब फुली फंक्शनल एप्लीकेशन दे दिया गया है, आप यूज करो, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। कभी कभी सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं ना, सिंपल, ठीक है। चलो आ जा, उसको कौन मैनेज करता है, उसको वो प्रोवाइडर ही मैनेज करता है, उसको वो प्रोवाइडर ही मैनेज करता है, ठीक है, आ जा। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या यूज है, क्या क्या यूज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्या यूज है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्यों करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, यूज क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपना डेटा स्टोर करना है, अगर आपको अपना फोटोज, वीडियोस या कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो कहाँ पे स्टोर करोगे सर, क्लाउड पे स्टोर करेंगे। सबसे पहला यूज तो यही है कि डेटा स्टोरेज एंड बैकअप के लिए आप क्लाउड का इस्तेमाल करते हो, आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हो, बिकॉज गूगल ड्राइव इज द रिलायबल, मोस्ट रिलायबल सोर्स। बचपन से 55 तक का फोटो आपका गूगल ड्राइव पे ही पड़ा रहेगा, परमानेंटली पड़ा रहेगा, कभी भी देखने का मन किया इंटरनेट ऑन किया देख लिया, सिंपल सा बात है, बात खत्म।
तो डेटा स्टोरेज एंड बैकअप के लिए क्लाउड ही काम में आता है। यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सिंपल सा बात है। सबसे पहला क्या है? डेटा स्टोरेज एंड बैकअप। आपका डेटा स्टोर करने के लिए, आपका डेटा को बैकअप करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा यूजफुल है, सिंपल सा बात है। ठीक है, वेब होस्टिंग। आपको अगर वेबसाइट होस्ट करना है खुद का, आपको अगर खुद का वेबसाइट बनाना है, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको खुद का वेबसाइट बनाना है, ओ माय गॉड, अगर आपको खुद का वेबसाइट होस्ट करना है तो आपको सारा का सारा जो रिसोर्सेस है, सारा का सारा जो डेटा है, वो कहाँ पे रखना पड़ेगा? क्लाउड पे तो रखना पड़ेगा। अपने पर्सनल, अपने पीसी में थोड़ा ना रखोगे बेटा, क्लाउड में ना रखना पड़ेगा। तो वेब होस्टिंग के लिए भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स ऑफर स्केलेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वेब होस्टिंग सॉल्यूशंस, एकोमोडेटिंग वेरियस ट्रैफिक रूल्स एंड इंश्योरिंग हाई अवेलेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वेबसाइट एप्लीकेशन। मतलब मेरा जो एप्लीकेशन बना है, मेरा जो वेबसाइट बना है, उसका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है? वो डेटा तो स्टोर होता है क्लाउड पे। हमको खरीदना पड़ता है, हमको हर साल का प्रीमियम लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हो, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो, तो टेस्टिंग करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत सारा आपको स्टोरेज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उतना स्टोरेज आपके पास पर्सनल, आपके पास पीसी में थोड़ा अवेलेबल है। तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का नीड पड़ता है। आप अपना डेटा को कहाँ पे रखते हो? क्लाउड में रखते हो। जब तक आपका एप्लीकेशन डेवलप ना हो जाता है, जब तक आपका एप्लीकेशन फुल बन नहीं जाता है, तब तक जो टेस्टिंग वाला जो स्टोरेज है वो कहाँ पे रखते हो? क्लाउड में रखते हो, सिंपल सा बात है। डेवलपर यूज क्लाउड एनवायरमेंट टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन क्विकली। अपना एप्लीकेशन को बनाने के लिए, अपना एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए, अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट क्लाउड पे रखना पड़ेगा, क्लाउड पे रखना पड़ेगा। अच्छा, मान लो आपके पास बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, 10-10 साल का, 20-20 साल का डेटा है, बिग डेटा एनालिसिस। आपके पास बहुत लंबा चौड़ा डेटा है, इतना बड़ा बड़ा लार्ज डेटा को कैसे एनालाइज करोगे? जब तक क्लाउड, मान लो सिंपल सा बात है, क्लाउड में तुम्हारा स्टोर है डेटा, आराम से तुम एनालाइज कर पाओगे, है ना? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इनेबल्स प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा विद पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन गेन इनसाइट एंड मेक डेटा ड्राइवन डिसीजन, सिंपल से बात है। डिजास्टर रिकवरी, ओ माई गॉड, फोन से फोटोज डिलीट हो गया, वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्लाउड पे तो सेव्ड है ना, क्लाउड पे बैकअप किया मैंने। फोन से फोटो डिलीट हो गया, वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, क्लाउड पे मैंने बैकअप रखा है। तो अगर बेटा कोई अनहोनी हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा फाइल सेफ है, तुमने क्लाउड पे रखा है बेटा, तुमने क्लाउड पे स्टोर किया है। तो क्लाउड बेस्ड डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस प्रोवाइड क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव बैकअप एंड रिस्टोरेशन सर्विस, सिंपल सा बात है। बैकअप मिल जाएगा तुमको आराम से, वो डेटा का बैकअप मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है, ये सब मत पढ़ना, पांच ही पॉइंट पढ़ना हो जाएगा। देखो, 5 पॉइंट पढ़ा दिए, क्या क्या सर बताओ, पॉइंट्स बताओ। मुंह देखने के लिए थोड़ा ना बताओ भाई, लाइक करो, लाइक। पॉइंट्स बताओ, यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग बता दो जी, जल्दी बोलो। थक चुका हूँ, तुम्हारा भाई बहुत थक चुका है। यूज केसेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, जल्दी बोलो, इंतजार कर रहा हूँ। क्या क्या है, पॉइंट्स बताओ। सबसे पहले तो डेटा स्टोरेज एंड बैकअप, उसके बाद वेब होस्टिंग, वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के लिए भी चाहिए, एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आप उसको एनालाइज करना चाहते हो, किस तरीके से एनालाइज करोगे? सबसे पहले स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर कहाँ पे करोगे? क्लाउड पे करोगे, सिंपल सा बात है। और डिजास्टर रिकवरी, फोन में डिलीट हो गया फोटो वीडियो, कोई बात नहीं, क्लाउड पे सेव है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखना, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रीन कंप्यूटिंग। अब हम लोग बेटा जी पढ़ने वाले हैं व्हाट सर ग्रीन कंप्यूटिंग। व्हाट इज ग्रीन कंप्यूटिंग? सुनो, ग्रीन कंप्यूटिंग एक प्रैक्टिस है, जहां से आप अपने एप्लीकेशंस को, जहां से आप अपने टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हो, यूज करते हो, डिस्पोज करते हो, इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे, इको फ्रेंडली वे। आप अपने टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हो, यूज करते हो, डिस्पोज करते हो, इन्हें इको फ्रेंडली वे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन कंप्यूटिंग। एनवायरमेंट का ध्यान में रखते हुए आप अपने टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, डिजाइन करते हो और डिस्पोज करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन कंप्यूटिंग। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है।
सुनो, ग्रीन कंप्यूटिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग यूजिंग डिस्पोजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. इट एम्स टू रिड्यूस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द कंप्यूटिंग ऑन द एनवायरमेंट बाय इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंट मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज. सिंपल से बात है, मैं क्या करूंगा, मैं कम एनर्जी यूज करूंगा, मैं ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करूंगा, मैं वेस्ट को मिनिमाइज करूंगा, मैं कम एनर्जी यूज करूंगा और मैं सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करूंगा. सिंपल से बात है, मैं सस्टेनेबल रिसोर्सेज का यूज करूंगा. ठीक है, जो रिसोर्सेज सस्टेनेबल है, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मैं यूज करूंगा, मैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज नहीं करूंगा. सिंपल से बात है, ग्रीन कंप्यूटिंग इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग यूजिंग डिस्पोजिंग द टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब हरा हरा कंप्यूटिंग क्या होता है सर जी? हरा हरा कंप्यूटिंग मतलब डिजाइन करना, यूज करना, डिस्पोज करना इन ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. जो टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको डिजाइन करना, यूज करना, डिस्पोज करना इन ए एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे, इको फ्रेंडली वे. इको फ्रेंडली वे में हम लोग अपना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग. ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ये कम करता है नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द कंप्यूटिंग ऑन द एनवायरमेंट बाय इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, इको फ्रेंडली वे में हम लोग यूज कर रहे हैं. द गोल इज टू मेक कंप्यूटिंग मोर इको फ्रेंडली, हेल्पिंग टू कंजर्व रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन व्हाइल स्टिल मतलब कि सिंपल से बात है, इससे क्या होगा कि हम लोग बहुत हद तक पॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे, रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करेंगे और बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग ज़्यादा डिलीवर कर पाएंगे. सिंपल से बात है. अब सर बता दो, एडवांटेज क्या है ग्रीन कंप्यूटिंग का? एडवांटेज तो बताओ सर, क्या क्या एडवांटेज है? तो बस हेडिंग याद करके रख लेना, रिड्यूस्ड एनर्जी कंजम्पशन. जितना एनर्जी लगता है उतना एनर्जी हम लोग कम कर रहे हैं, हम लोग अपना एनर्जी यूजेस को बहुत कम कर दे रहे हैं, मतलब कम से कम एनर्जी का यूज कर रहे हैं जिससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बहुत कम लगे. ठीक है, जिससे हमारा जो पावर, एक्सेसिव पावर यूजेस है वो बहुत कम हो. ठीक है, लोअर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन अगर कमेगा, मान लो हमारा एनर्जी कंजम्पशन कम गया, सुनो एनर्जी का बहुत कम यूज कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे हमारा जो कार्बन का रेट है ना वो भी कम हो जाएगा, मतलब डिक्रीजेस ग्रीन हाउस एमिशंस. इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी कम हो जाएगा. अच्छा, इससे क्या होगा, इससे हमारा कॉस्ट सेविंग भी होगा, इससे हम लोग अपना खर्चा भी बचा लेंगे आराम से, कॉस्ट भी सेव कर लेंगे. एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट. अगर मैं बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ, मैं बहुत सुंदर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ, इससे क्या होगा, इससे मेरा खर्चा भी कमेगा और हार्डवेयर लाइफ भी बढ़ जाएगा. जो आपका सिस्टम का लाइफ है ना, आपका सिस्टम अगर 5 साल चलने वाला है तो आप 10 साल चलेगा. आपका सिस्टम अगर 5 साल चलने वाला था तो आप 10 साल चलेगा. सिंपल से बात है. इनहैंस्ड कॉर्पोरेट इमेज भी आप लोगों का बढ़ जाएगा. ठीक है, रेपुटेशन बढ़ जाएगा, हर जगह आपका रेपुटेशन बढ़ जाएगा. ये सब नहीं पढ़ना है, 5-5 पॉइंट्स पढ़ा रहे, 5-5 पॉइंट्स पढ़ लो. तो ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब क्या हो गया, ग्रीन कंप्यूटिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको डिजाइन किया जाता है, यूज किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है इन्हें इको फ्रेंडली वे. सिंपल से बात है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे. आइए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज कंप्यूटिंग. आइए अब हम लोग दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज कंप्यूटिंग. व्हाट इज एज कंप्यूटिंग सर, व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एग्जांपल देता हूं, जैसे गूगल में, बेटा गूगल में कभी ना कभी तो डेटा सर्च किया होगा ना तुम, कुछ ना कुछ सर्च किया होगा, नॉटी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो सर्च किया होगा. मान लो गूगल में तुम जाके SRK सर्च करता है, शाहरुख खान सर्च करता है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था ना, पहले के ज़माने में आपको लोडिंग दिखाता होगा, फिर जाके आता होगा. तो क्या होता था कि गूगल में जब आप सर्च करते थे तब वो अपने सर्वर्स में जाता था, और गूगल का सर्वर्स कहाँ था पहले, US में. गूगल का सर्वर जो पहले था वो कहाँ पर था, US में. सबसे पहले वो रिस्पॉन्स लेके US जाता था और US से आता था, तो भाई बहुत हाई लेटेंसी हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था. आप कुछ भी सर्च किए उसका रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता था, आप इंतज़ार में बैठे रहते थे कि भैया गूगल में तो सर्च तो कर लिए लेकिन आएगा कब ये,
तो एक्चुअली वो बहुत दूर जाता था, यूएस के सर्वर्स में जाता था, यूएस के सर्वर्स में जाके रिस्पॉन्स लेके आता था। इतना ज्यादा हाई लेटेंसी के कारण वो एक मिनट या आधे मिनट का टाइम आपका कंज्यूम कर देता था। तो एज कंप्यूटिंग क्या है, तो गूगल ने क्या सोचा, गूगल ने सोचा कि एक काम करते हैं, अब अपना सेंट्रल डेटा सेंटर, अब एक काम करते हैं अपना सेंट्रल डेटा सेंटर को ना डिसेंट्रलाइज्ड कर देते हैं। एक काम करते हैं गूगल, अपना सारा का सारा शहर में, हर एक छोटा छोटा शहर में अपना एक सेंट्रल डेटा सेंटर बनाया। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है, जहां पे डेटा जनरेट हो रहा है अब वहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपना हर एक शहर में, हर एक छोटे छोटे कस्बे में, हर एक शहर में, हर एक गांव में अपना छोटा छोटा डेटा सेंटर्स बनाया। आप अगर कोई सर्च करते हो, अगर आप आज के दिन में सर्च करते हो SRK, ठीक है, तो वो गूगल के मेन सेंट्रल डेटा सेंटर में नहीं जाएगा, वो गूगल के मेन सेंट्रल डेटा सेंटर में नहीं जाएगा, वो वहां पे जाएगा जहां से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। वो वहां पे जाएगा जो आपके बहुत करीब है, जैसे कि मान लो कोलकाता में एक सर्वर है, गूगल का, वो वहां पे जाएगा, वहां से रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा, सीधा सा बात है। इसीलिए बहुत कम टाइम में आप लोगों को इतना सारा प्रोसेसिंग मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू वेयर इट इज जनरेटेड, मतलब सीधा सा बात है, जहां आपने सर्च किया वहीं से जनरेट होकर डेटा आता है, वहीं से रिस्पॉन्स आता है। आपको अब हायर लेटेंसी या हायर नेट का डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको तुरंत के तुरंत आंसर मिल जाएगा, तुरंत के तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस टाइप के कंप्यूटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग मतलब आपने सर्च किया तुरंत के तुरंत वो रिस्पॉन्स आपको अगर मिल गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर वेयर इट इज जनरेटेड rather than sending it to the central data center or cloud for processing। सिंपल सा बात है, पहले गूगल में आप कुछ भी सर्च करते थे तो गूगल का मेन सेंट्रल डेटा सेंटर में जाता था, जो कि कहां था, यूएस में था, और जाते जाते आते आते एक मिनट का वक्त लग जाता था। आपने सर्च किया, सर्च करके वेट कर रहे हो कि कब आएगा इसका रिजल्ट। इसके बाद गूगल ने क्या किया, हर एक शहर में अपना अपना सर्वर बना दिया। अब आप कभी भी कोई भी डेटा के लिए सर्च करते हो तो वो सर्वर पे डायरेक्टली जाता है, कनेक्ट होता है और आ जाता है, रिस्पॉन्स टाइम गेट हायर, सिंपल से बात है। तो यहाँ पे आप एज कंप्यूटिंग को सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हो, एज कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू वेयर इट इज, मतलब कि जनरेटेड, जहां पे डेटा जनरेट हुआ वहीं से आप लोग को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से बात है, सेंडिंग इट टू द सेंट्रल डेटा सेंटर और क्लाउड फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, चलो अब आपको दूरदार सर्वर, मतलब कि सर्वर में वो डेटा जाके रिस्पॉन्स नहीं मांगेगा, अब आपका सबसे क्लोजेस्ट, सबसे नियरेस्ट जो सर्वर रहेगा वहां पे जाएगा, वहां से रिस्पॉन्स लेगा और आ जाएगा, सीधा सा बात है, आपको रिस्पॉन्स अब तुरंत के तुरंत मिल जाता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले बेनिफिट्स ऑफ एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग का क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहला फास्टर रिस्पॉन्स टाइम, अब आपको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है, अब आप कुछ सर्च करते हो तुरंत के तुरंत आ जाता है। कैसे आ जाता है, रिस्पॉन्स टाइम फास्टर हो गया क्योंकि आपके करीबी वाला, आपके नियर बाय वाला सर्वर में जाता है वो डेटा, आपने गूगल में कुछ सर्च किया SRK और आपके नियर बाय वाले सर्वर में जाता है और तुरंत के तुरंत आ जाता है, तो फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। रिड्यूस्ड मतलब कि बैंडविड्थ यूज, पहले ना नेट का बहुत यूज होता था, पहले आपको भयानक नेट लगता था, आप अगर आप गूगल करते थे, अगर आप व्हाट्सअप करते थे, क्योंकि इतना ज्यादा हायर लेटेंसी में जाएगा गूगल, मतलब गूगल के मेन सर्वर ऑफिस में जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आएगा, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आके आपको रिस्पॉन्स देगा, इतने में तो भाई बहुत भयानक नेट लग जाता था। लेकिन आपके करीब अभी अगर सर्वर है, इससे क्या होता है, इससे आपका नेट नहीं लगता है, रिड्यूस्ड बैंडविड्थ यूज, ज्यादा नेट नहीं लगता। ठीक है, इंप्रूव्ड मतलब कि रिलायबिलिटी, अगर आपका डेटा लोकली प्रोसेस हो जाएगा, आपने यहां से सर्च किया यहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल गया, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा ना भाई, यूएस नहीं जाएगा आपका डेटा, आपका डेटा कहीं दूर नहीं जा रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, सिक्योर रहेगा आपका डेटा, जहां से जनरेट हुआ वहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो रिलायबिलिटी भी तो बढ़ेगा, आपका सिक्योरिटी भी बढ़ जाता है, इनहेंस्ड सिक्योरिटी आपका बढ़ जाता है इससे, और लेटेंसी भी लोअर हो जाता है, दूरी भी कम हो जाता है। अगर दूरी कम रहेगा तो आपको रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा मिलेगा। गूगल में अभी आप एक बार सर्च करो ना, तुरंत एक सेकंड में रिस्पॉन्स आ जाता है, एक सेकंड में, क्यों, क्योंकि मेरा जो सबसे करीब वाला सर्वर है वहां पे वो जाता है, वहां से वो डेटा का रिस्पॉन्स लेता है और आ जाता है, सीधा सा बात है। पहले गूगल में मैं जब सर्च करता था तब वो गूगल के मेन ऑफिस में जाता था, यूएस में जाता था, और फिर जाके वो आता था, इससे क्या होता था, हायर लेटेंसी, दूरी ज्यादा हो जाती थी उससे।
दूरी ज्यादा हो जाती थी, नेट का यूज ज्यादा होता था, रिलायबिलिटी नहीं रहता था, सिक्योरिटी नहीं रहता था, ठीक है। लेकिन अब तो भाई अपना देश में हर एक कोना में सर्वर है गूगल का, आराम से रियल टाइम एप्लीकेशंस में हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल्स देख सकते हैं। लेकिन अब पहले देखना ना, यूट्यूब भी चलाते थे, पहले बहुत कुछ चलाते थे आप, बफरिंग होता रहता था, ये सब एज कंप्यूटिंग की वजह से होता था, ठीक है। आ जाइए अब पढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटर। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटर सर? क्वांटम कंप्यूटर मतलब सर सुपर कंप्यूटर जो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जो बहुत सारे टास्क को ये परफॉर्म कर सकता है। सर क्वांटम कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट लेवरेजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ए वे ट्रेडिशनल कंप्यूटर कैन नॉट। जो कि एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकता, वो एक क्वांटम कंप्यूटिंग दे सकता है। क्वांटम कंप्यूटर जो होता है ना, वो ट्रेडिशनल कंप्यूटर से एकदम हटके होता है, दस गुना ज्यादा होता है। अनलाइक क्लासिकल कंप्यूटर विच यूज बिट्स एज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ डेटा 0 and 1, क्वांटम कंप्यूटर यूज क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स। क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स यूज करता है, क्यूबिट्स यूज करता है, क्वांटम बिट्स या तो क्यूबिट्स यूज करता है, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर मतलब ये समझ जाइए कि जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग दैट लिवरेजेस द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ए वे दैट ट्रेडिशनल कंप्यूटर कैन नॉट। जो काम ट्रेडिशनल कंप्यूटर, जो काम क्लासिकल कंप्यूटर, जो काम आपका नॉर्मल कंप्यूटर नहीं कर सकता, वो काम क्वांटम कंप्यूटिंग कर सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर 0 to 1 का मतलब कि बिट्स यूज करता है, सबसे स्मॉलेस्ट बिट्स यूज करता है 0 और 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सीधा क्यूबिट से स्टार्ट करता है, क्यूबिट्स या तो क्वांटम बिट्स, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटर का आपको याद नहीं रहा डेफिनेशन, तो आप इसके बेनिफिट्स भी लिख सकते हैं। किसी का भी आपको डेफिनेशन याद नहीं रहा तो बेनिफिट्स भी लिख सकते हो भाई, मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, मिल जाएंगे मार्क्स तुमको, क्यों नहीं सोच रहे हो तुम ऐसा। आ जाओ सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर का बेनिफिट, सुपर फास्ट कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशंस को एक सेकंड में कर देता है, सुपर फास्ट मतलब की कैलकुलेशन है। ट्रेडिशनल कंप्यूटर के मतलब की कंपैरिजन में सुपर फास्ट कैलकुलेशन करता है। इसके बाद अरे बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेटर तरीके से करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो बेटर तरीके से करता है क्वांटम कंप्यूटर। इसके बाद इनहैंस्ड सर स्टिमुलेशंस, सर क्वांटम कंप्यूटिंग कैन स्टिमुलेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स लाइक केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल फोनोमिना मोर एक्यूरेटली। मतलब सीधा सा बात है, ज्यादा एक्यूरेटली सारा का सारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, ज्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है, ज्यादा एक्यूरेटली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसमें एडवांस्ड एआई है, इसमें मशीन लर्निंग भी है, एडवांस्ड एआई भी है, इसमें मशीन लर्निंग भी है, ठीक है। AI भी जबरदस्त है, इसमें सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है, 90% ऑफ द टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है, तुमको खुद नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, वो खुद परफॉर्म कर देगा तुमको, इसमें एडवांस्ड AI है। अब हम लोग पढ़ेंगे बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा मतलब आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आपके पास वास्ट डेटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग डेटा। बिग डेटा रेफर्स टू द एक्सट्रीमली लार्ज एंड कम्प्लेक्स डेटा सीट्स। आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग डेटा। सिंपल से बात है, डेटा आर टू वास्ट टू बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड आर नोन एज बिग डेटा, ठीक है। आपके पास मान लीजिए बहुत सारे हजारों लाखों इन्फॉर्मेशंस पड़े हुए हैं, आपके पास मान लीजिए बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, फोटोज पड़े हुए हैं, फाइल्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे हजारों लाखों, तो इन सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, बिग डेटा। बिग डेटा मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास, जिसका कोई इन्फिनिटी नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग डेटा। So big data refers to the extremely large and complex data sets that are too vast to be processed and analyzed using traditional data management tools. मतलब आपके पास अगर classical computer रहा, आपके पास अगर traditional computer रहा, तो उस computer से आप इस बड़ा सा data sets को कभी भी analyze नहीं कर पाओगे। आपके पास एक quantum computer रहना चाहिए, simple से बात है। These can come from various sources such as social media. Social media से आता है ये सब सारा data, sensor से आता है, transaction से आता है, modes. सिंपल से बात है ना। अब देखिए, अब मेरे एप्लीकेशंस का बात करें, अगर
मेरे एप्लीकेशंस में करीब करीब अभी 3-4 हज़ार स्टूडेंट है, और 3-4 हज़ार स्टूडेंट कितना बार लॉग इन करते हैं, कितना बार लॉग आउट करते हैं, इन सारे ये सारे जो डेटा है, ये सारे कितना वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा है, इसको क्या आप एक नॉर्मल कंप्यूटर, घिसा पिटा कंप्यूटर से क्या एनालाइज कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बिग डेटा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, समझे। The goal of managing big data is exact meaningful insight and patterns of this massive amount of information. आपके पास बहुत सारे informations रहेंगे, उस informations में आपको कौन से information चाहिए, कौन से information नहीं चाहिए, आपको वो find करना पड़ेगा, और वही find करना एक सबसे बड़ा goal है। Big data मतलब vast amount of data, याद रखिएगा। आपके पास बहुत बड़े amount of बहुत बड़े level के data हैं, बहुत बड़े लेवल के इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, फाइल्स वगैरह वगैरह सब कुछ है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या क्या आता है इसमें, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिग डेटा में प्रॉब्लम क्या आता है। आपके पास अगर बहुत सारे डेटा है तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगा? सबसे पहले डेटा मैनेजमेंट, उसको स्टोर कहाँ करें, उसको ऑर्गेनाइज कहाँ करें, उसको रिट्रीव कहाँ करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि अगर मेरे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फाइल्स है, उसको स्टोर कहाँ करें, उसको कहाँ ऑर्गेनाइज करें, उसको रिट्रीव कहाँ करें, किस तरीके से उसको वापस से रिट्रीव करें। इसके बाद डेटा इंटीग्रेशन, डेटा मतलब कि डेटा इंटीग्रेशन, अगर मान लीजिए कोई एक डेटा के साथ कोई एक डेटा को हमको मर्ज करना है, तो उसको कैसे मर्ज करें, हमको तो बहुत एनालाइज करना पड़ेगा, हमको तो बहुत खोजना पड़ेगा। हमारे पास करीब करीब 3000 डेटा हैं, मान लीजिए हमको एक डेटा के साथ दूसरा डेटा कोई मर्ज करना है, तो ये 3000 डेटा को हमको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, उस एक डेटा को खोजना पड़ेगा मर्ज करने के लिए। हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक तो डेटा है जिसको मर्ज करना है दूसरा एक डेटा के साथ, और हमारे पास 3000 तो डेटा है, उसमें पूरा खोजो पहले वो जो एक डेटा है, उसके बाद मर्ज कर सकते हो। तो डेटा इंटीग्रेशन में भी बहुत बड़ा चैलेंज आता है। इसके बाद देखिए स्केलेबिलिटी, अब देखिए अब डेटा ही है, अब कभी ना कभी तो वो ग्रो करेगा ही करेगा, और जब ग्रो करेगा तब बहुत परेशानी देगा, ग्रो करेगा तो रखेंगे कहाँ। अब मेरा इन्फॉर्मेशन, मेरा डेटा जब बढ़ जाएगा तब हम रखेंगे कहाँ, उसको मैनेज कैसे करेंगे। आज 1000 टू डेटा है हमारे पास, कल हमारे पास 20000 टू हो जाएगा, कल हमारे पास 50000 टू हो जाएगा, परसों हमारे पास 100000 टू हो जाएगा। इतना सारा डेटा को मैनेज कैसे करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इसके बाद है सर डेटा क्वालिटी, इंश्योरिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर डेटा आप रख रहे हो तो डेटा एक्यूरेटली सही हो, कंसिस्टेंसी हो, मतलब कि कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिलायबिलिटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्यूरेटली रखना पड़ेगा। इसके बाद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मतलब सीधा सा बात है डेटा ब्रीचेस से हम लोगों को बचाना है ना। तो सिंपल सा बात है, ये क्या है, ये हमारा है प्रॉब्लम्स ऑफ बिग डेटा, ये पढ़ लीजिएगा, ये चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा है, चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा, बिग डेटा में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अब देखिए हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये लास्ट टॉपिक है, हाउ टू ओवरकम दीज चैलेंजेस, ये जो बिग डेटा है इस चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम कैसे करें। तो यूज स्केलेबल टूल्स, बहुत सारा टूल्स को आप यूज कर सकते हो, जिससे वो डेटा का स्टोरेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपका हो पाए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप वो डेटा को स्टोर कर पाओ। एम्प्लॉय अरे टेक्नोलॉजीज लाइक हैंडजूप, स्पार्क, ये सब सारे टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो जिससे वो सारे डेटा को आप इजिली स्टोर कर सको, जिससे आप वो डेटा को इजिली प्रोसेस कर सको, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंट वो डेटा इंटीग्रेशन सॉल्यूशंस, यूटिलाइज डेटा इंटीग्रेशन टूल्स एंड मतलब कि परफॉर्म टू कंबाइंस एंड हार्मोनाइज डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, मतलब एक ऐसा टूल्स को डेवलप करो, एक ऐसा AI को डेवलप करो कि ऑटोमेटिकली वो डेटा इंटीग्रेट हो जाए आपस में, आपको खोजना ना पड़े कोई डेटा, वो डेटा खुद ब खुद खोज ले, खुद ब खुद इंटीग्रेट कर दे, एक ऐसे AI को डेवलप करो। एडॉप्ट क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड का जो सर्विसेज है उसका हेल्प लो, सिंपल सा बात है, क्लाउड का अगर हेल्प लोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब कि डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को आप इजिली स्टोर कर सकते हो, इजिली स्टोर कर पाओगे। एंड इंश्योर डेटा क्वालिटी मतलब इम्प्लीमेंट रोबस्ट डेटा गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स, मतलब डेटा क्वालिटी को मेंटेन रखो, जिस हिसाब से आपका क्वालिटी बनता है उसी हिसाब का डेटा आप रखो, डेटा क्वालिटी को आप पूरा मेंटेन रखो, फिर ही कुछ होगा, ठीक है। अपना सिक्योरिटी को भी आप स्ट्रेंथन करो, जितना ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रहेगा, जितना ज़्यादा
हाई कंट्रोल रहेगा, उतना बिग डेटा, उतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप कंट्रोल कर पाओगे, है ना। मैनेज कॉस्ट एफिशिएंसी, मैनेज कॉस्ट एफिशिएंसी मतलब कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर लिया और अब चैप्टर नंबर 4 करेंगे, आज या तो कल चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और सेमेस्टर 3 हमारा जो है 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 22 तारीख से 22 सितंबर आ जाना, ठीक है। 22 सितंबर आ जाना, हमारा सेमेस्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।